बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद अहमद शहबाज और आप देख रहे हैं इस वक्त शहबाज़ रूहानी टीवी। नाज़रीन, जो अमल मैं इस वक्त आपके सामने बयान कर रहा हूँ वो अमल बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, फालिज के मरीज़ के लिए, दिल के मरीज़ के लिए, यरकान के मरीज़ के लिए, गर्ज ये कि जादू जिन्नात के मरीज़ के लिए भी ये अमल बेहद मुफीद है। बड़ा ही आसान तरीका है इसका। सूरह रहमान के अजीब कमालात हैं, सूरह रहमान और सूरह तगाबुन का अमल है। आपने इस तरह करना है कि एक मिट्टी का घड़ा ले लेना है और उसको पानी से भर लेना है, मुकम्मल नहीं भरना, थोड़ा सा नीचे ही हो पानी। फिर उसके ऊपर आपने तिलावत शुरू करनी है सूरह रहमान की 41 मरतबा, और इसी तरह 41 मरतबा सूरह तगाबुन आपने पढ़नी है, पढ़ के उसके ऊपर फूंक लगा देनी है। अगर एक शख्स पढ़ने वाला है तो वो 2-3 नशिस्तों में भी पढ़ सकता है, और अगर 2-3 अफराद पढ़ने वाले हैं तो फिर एक नशिस्त में पढ़ के उसे दम कर दें। अब ये पानी हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए बन गया है, अगर आप इसको ख़त्म ना होने दें तो। इसको इस्तेमाल करना है, सालन बनाते हुए भी ये पानी इस्तेमाल करना है, आटा गूंदते हुए भी इस पानी को इस्तेमाल करना है, और आम रूटीन में पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करना है। जिस तरह का भी मर्ज होगा, जो भी मर्ज होगा, अल्लाह के फजल करम से, इस अमल की बरकत से, अल्लाह की लारैब किताब की बरकत से इंसान उस मर्ज से छुटकारा हासिल कर लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हफीजु या हफीजु, ये 11-11 मरतबा पढ़ के अपना हिसार कर लेना है, और उसके बाद पानी को दम करना है, फिर उस पानी को इस्तेमाल करते रहना है। अल्लाह पाक हर मर्ज के लिए इस पानी की बरकत से शिफा अता फरमाएंगे।